बंदे निकल आते ने मैं सावधाना भी इतने होना जिम्मे तंदूरी तपी हो गई एक रोटी बच्चा अपनी भी ला ही लेंगे अगर थोड़ी तपी थी हूँ इस वे गर्म में धोया एक सट मैं नहीं मारना मैं तेन एक गल दसा अगर ये ठीक है कि छोटे चोरों की बजाय बड़े चोरों को पकड़ना चाहिए फिर छोटे लोगों की बजाय लेकिन मैं अर्ज कर रहा कि पहले लीडर के दे तवज्जो दें असी भी जरूर दें अल्लाह के बंदे तुम जिस किस्म की जुत्ती पाओ उस किस्म की जुत्ती बंदे पा लग पाएंगे इस वेले जी पिछौरी चप्पल होती थी ना अजकल उसका नाम कुछ हो रही पिछौरी चप्पल होने इमरान खान ना जोड़ के बंदे पाते हैं भी मशहूर हो चुकी है वैसे चप्पल वाली बड़िया शहर उतो मशहूर ने पिछौर दी कबाब भी एक मौजूद है चप्पल कबाब वेख के बंदे कपड़े पाते हैं तोड़े लोग वेख के बंदे कपड़े पाते मैं नहरिया कपड़िया से नहीं लिंदा तो गुस्सा ना कर अल्लाह के बंदे थोड़े तो झंडे बीबिया मूँह से बना लाए मेरे हाथ दुहा किसी गल नहीं देखी मैं ही सब कुछ देखे झंडा कहते बस झंडा अंदर रजाई लपेट के बंदे अंदर रखे झंडा सूच पैसे रखे झंडा कहते बस लाने वास्ते लाया क्यों जाता बखाण वास्ते झंडा कहते वास्ते लाने वास्ते तो लाया क्यों जाता बखाण वास्ते जिन्हें इतने झंडा बनाया वह बुरका पाती है की गल हुई है मेरे को सारे बंद हाँ मना करो बीबिया कुरान का ना जिन्हें इतने झंडा बनाया है पार्लर च जाके तुहाडा की ख्याल है बुरका पाने वास्ते रखे बखाण वास्ते रखे वो खुदा का ना जे अल्लाह की बंदी हो उन्हें सिर्फ वोट पाओ मेहरबानी करो उन्हें सिर्फ वोट पाओ तो झंडा फड़ाना तो भरा के हाथ च फड़ा मूंह से ना बना बाप के हाथ च झंडा फड़ा तो अंदर जाके इज्जतदार बीबी तू वोट दे इमरान खान वो हमायत हो गई तू आ जा गुस्सा तो नहीं पा लगता यूथ मेहरबानी मैं क्या भैन की वजह तो गल करता मेरा मतलब किसी गल खिलाड़ भी रहना चाहिए कुछ ना कुछ बंदे तवज्जो करनी चाहिए जरा अस कम कर रहे हैं किस हद तक ठीक है मैं हैरान हाँ कि भरा भी ना ही गए होंगे ने जो भैन ने इतने झंडा बनाया होंगे मैं हैरान हाँ सूच कर अल्लाह की बंदी वोट पाओ वो हक च वोट पाओ मद्दे मुकाबले हराओ उन्होंने अगे लियाओ एक दिन मैं दर्शन जे सारे पाकिस्तान दी बीबिया मुंह ते झंडे बना रही ना तो रियासत मदीना नहीं फिर रियासत कूफा ही बने रियासत मदीना बनाने वास्ते शहबाज शरीफ साहब भी बना सकते हैं नवाज शरीफ साहब भी बना सकते हैं कोई और भी उठे सरदारी साहब भी बना सकते हैं मदीने का क्या मुल्क है मैं समझना जो लफ्ज दिता है बहुत खूबसूरत दिता है यह इमरान खान साहब ने कि रियासत मदीना बननी चाहिए लोगों छोटिया नबी चुके उत्ते लिया लेकिन एक मेहरबानी करो लकत कहाँ ना लगो फिर रसूल मिलता है उस वक्त उन्हें हासा न करो आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने एक बार ज़ियाउल हक़ साहब पूछने लगे कि पाकिस्तान की सलाम नाफिल हो सकता है उसका नहीं उन्हें कहा है नहीं उसका तू करना चाहते उसका मैं उसका फिर नहीं होगा वो अगला मैं की आज इशारा कर फरमाते ने जेड़ा अपने मुंह ते इस्लाम नाफिल नहीं कर सकया थारो थाओ अपनी जात ते इस्लाम दा नफाज नहीं कर सकया वो सारे मुल्क दे नफाज कर सकया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसनतुन लीडर ठीक हो जान आवाम ठीक हो जाए मैं फिर कह रहा लीडर ठीक हो जान आवाम ठीक हो जाएगी एक बार मुत्तहिदा मजलिसे अमल बनी सी अगर तुम्हें याद हो काजी हुसैन अहमद भी मौजूद सन हज़रत रहमान साहब भी मौजूद सन साजिद मीर साहब भी मौजूद सन बहुत शुक्रिया साजिद नकवी साहब भी मौजूद सन जो छे मौलवी सुन्नी शिया भाभी ते देवबंदी कट्ठे नमाज पढ़ते सन कट्ठे उदों बंदे सोचते सन इन्हां दी कट्ठिया हो जांदी है साडी क्यों नहीं हो रही मेरा ख्याल है बहुत शुक्रिया नहायत मेहरबानी इहदा मतलब है लीडर ठीक हो बोलो यार लीडर ठीक हो बंदे ठीक हो जाएंगे इतने दारुल उलूम किन्ने ने दस के वो सने को दे ते सने साडा पेश नमाज वो कठे कठे नमाज पढ़ जाए ते मेरा घर बाकी ठंड पै जाएगी इंशाल्लाह इहदा मतलब बंदे सोचणगे जदों इह कठे सानू लड़न दी कड़ी लोड़ मेहरबानी फरमाओ लीडर ठीक हो जाए
معاشیات کو ٹھیک کرنے واسطے۔